सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ जो हम घर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सब चीज़ें हमें घर में मिल जाएंगी अपने, तो सबसे पहले तो खांसी, कई बार खांसी बहुत तेज हो जाती है, तो थोड़ी सी काली मिर्च, आधा चम्मच शहद में मिलाकर आप उसको चाट लीजिए, खांसी ठीक हो जाएगी। अगर शहद नहीं है तो खाली काली मिर्च आप थोड़ा सा चबा लीजिए, थोड़ी सी कड़वी लगेगी कोई बात नहीं। इसकी जगह पर आप अजवाइन को भी अगर मुंह में रख के चबा लेंगे तो आपकी खांसी 100% ठीक हो जाएगी। हमारी बहनों को कई बार हाथ वगैरह जल जाता है रसोई में, तो ज़्यादा परेशान ना हो, जैसे ही जले एक तो हमने ठंडा पानी डालना ये तो सबको मालूम है, और मेथी दाने को अच्छी तरह पीस कर उसके ऊपर लेप लगा देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी कहीं भी जला हो। और अगर रात को किसी को पेशाब आती है, बार बार उठना पड़ता है, तो उनको आप आधी पौनी चम्मच थोड़ा सा नमक डालकर अजवाएं रात को पिला दीजिए तो उनका ये रात को पेशाब निकलना बंद हो जाएगा। अगर घर में कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, सिगरेट वगैरह ज़्यादा पीता है, तो सौंफ लेकर, अच्छे वाले सौंफ, ब्रीक वाले, उनको अच्छी तरह घी में, देसी घी में भून लीजिए, ज़्यादा काले नहीं करने, उसको खाने से भी हमारी ये तलब दूर होती है। उसके साथ साथ मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, कान का है। ये जो हमारा आगे का ईयर लोब होता है, यहाँ पर भी एक पॉइंट होता है, जिनको ओरिकुलर आती है उनको मालूम होगा, अभी ओरिकुलर सिखाने जा रहा हूँ मैं फ्री में, जिन्होंने करनी हो वो मेरे को मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके मेरे को भेज दें, अपना नाम और अपना सिटी मैं आपको उसमें डाल दूंगा। 16 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो ईयर लोब है, इसके पॉइंट होता है, ईयर लोब कह रहा हूँ मैं, ट्रैगस में पॉइंट होता है, आप इसकी अगर मसाज करेंगे तो नशे की सब बातें छूट जाएंगी। एक मैंने आपको बताया क्या, सौंफ घी में थोड़ा सा भून कर उनको खाना है। और जैसे कि हमने पहले बात की थी मुंह में छाले होने की, तो अगर जायफल हो उसके गरारे करने से भी, उसके काढ़े के, जायफल का काढ़ा बना के उसे गरारे करने से भी हमें बहुत फायदा मिलता है। अगर पेट दर्द हो, अजवाइन इतनी बढ़िया चीज़ है, पेट दर्द में भी अजवाइन बहुत अच्छा काम करती है, थोड़ा सा काला नमक मिलाकर आप खा लीजिए, आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा उससे समय। अगर कई बार हमारा पैर उल्टा से रखा जाता है, मोच आ जाए तो हमने क्या करना है, गर्म पानी के अंदर नमक मिलाकर पीने से और साथ में सिकाई करने से भी हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। बुखार, कई बार बुखार होता है, रोज़ रोज़ बुखार हो जाता है, बुखार उतरता नहीं है, 100 के आसपास बुखार आता है, पुराना है, तो जीरे के अंदर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खाएं, दिन में 2 या 3 बार, अब देखेंगे कितना आपको फर्क पड़ेगा। एक और है तोतलापन, जिन बच्चों में तोतलापन होता है उनको दाल चीनी डेली दीजिए, उच्च चबा के खाएं, उसके साथ थोड़ा सा गुड़ भी दे सकते हैं दाल चीनी के साथ।
और जोड़ों का दर्द हो उसके लिए मैंने काफ़ी वीडियो डाली हुई है, कैसे हमने अपने जो जॉइंट्स हैं उनको कैसे क्लीन करना है, जॉइंट क्लीनिंग की वीडियो भी है, अब वो करें। और साथ में आप अदरक का रस थोड़ा सा गर्म करके वो भी आप लगाएं, उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अदरक का रस निकाल लीजिए, थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए उसको, उसको लगाने से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। कब्ज़ के लिए तो मैंने कई बार आपको बता रखा है, कब्ज़ के लिए छोटी हरड़, पहले तो आपने पेट साफ करना है। पेट आपने कैसे साफ करना है मैंने सबको बता रखा है, हरड़ के साथ छोटी हरड़ लेनी है आपने, छोटी हरड़ काले वाली, उसको आप बारीक पीस लीजिए। सुबह आपने अपना पेट साफ करने के बाद एक चम्मच पिसी हुई हरड़ और साथ में उतना ही गुड़ खाना है, सुबह सुबह वॉशरूम जाने के बाद तकरीबन एक या दो घंटे आपको लूज मोशन आएंगे। एक चम्मच है 60-65 किलो के व्यक्ति के लिए, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप थोड़ी उसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, तो आपके अंदर से जितना गंद है सारा निकल जाएगा। अगर आपको कब्ज़ बहुत पुरानी है तो हो सकता है इसमें 3-4 दिन लगें, अब घबराएं नहीं, एक दिन सुबह आपने हरड़ खा ली ठीक है, नहीं आपका पेट साफ हुआ अगले दिन फिर आपने हरड़ खानी है, तीसरे दिन फिर खानी है। जिस दिन आप हरड़ खाएंगे उस दिन आपने कोई भी भारी चीज़ नहीं खानी, सब चीज़ें हल्की खानी है। हल्की चीज़ों में क्या क्या आएगा, खिचड़ी होगी, सूप्स हो गए, जूसेस हो गए, फ्रूट हो गए, ये केवल खाने हैं, दही होगी, कोई भी आपने भारी चीज़ नहीं खानी, आपको खुद लगेगा कि आपका पेट अंदर से साफ हो गया है। इनको कब्ज़ पुरानी है वो 3-4 दिन लगातार करें, अपना पेट साफ करें ताकि अंदर जो आपके गंद जमा है वो सारा बाहर निकल जाए, नहीं तो आपको फिर बवासीर की शिकायत भी हो सकती है। बवासीर उन्हीं को होती है जिनको कब्ज़ होती है, और जिन बच्चों को मिट्टी खाने की आदत है उनको अजवाइन का चूर्ण रात में दे दें, कुछ दिन देंगे आप बिल्कुल देखेंगे बच्चा ठीक हो गया है। और अगर चक्कर आते हैं, आजकल ये चक्कर आने की शिकायत बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे ही हम सोकर उठते हैं पाँव अभी ज़मीन पर रखा नहीं तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं ऐसे लगता है जैसे कि अभी हम गिर गए, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। सौंफ के अंदर चीनी मिलाकर आप इसका सेवन करें, चीनी की जगह अगर आप मिश्री ले लेंगे धागे वाली तो उससे आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। ये आप लगातार दिन में 2-3 बार खाएं, आप देखेंगे कितनी जल्दी आपको फायदा होगा। तो साथ में आपने एक हमारा ये थंब है, थंब के ऊपर का पोर्शन, इसको भी दबाना है, आप हाथ से भी दबा सकते हैं, हाथ से भी, या अगर पास जिम्मी है जिम्मी से दबाइए, जिम्मी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक पेन ले लीजिए जिसके अंदर सिक्का ना हो, उस पेन से भी आप ऊपर से आप दबा सकते हैं, ऊपर की टिप पर दबाना है, दिन में 3-4 बार दबाएंगे आप दोनों हाथों की, तो आप देखेंगे आपका चक्कर जो आ रहे थे वो कितनी जल्दी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और कई बार हमारी जो पेशाब है उसमें जलन होनी शुरू हो जाती है, तो छोटी इलायची का चूर्ण बनाकर हम पानी से लें दिन में 2-3 बार, तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब कभी कभी हमें हिचकी आती है बहुत ज़्यादा, एक तो हिचकी जो है वो नॉर्मल व्यक्ति को कभी कभी आती है, 1-2 मिनट में ठीक हो जाती है,
हिचकी आए, एक तो ये है उपाय कि हम एक एक घूट छोटा छोटा पानी का पी लें 8-10 बार, एक घुट पिया, दो घुट पिया, तीन घुट, छोटा छोटा 8-10 बार तो हिचकी आनी बंद हो जाती है। तब भी बंद ना हो तो हमें अदरक, छोटा सा अदरक ले लीजिए, उसको चूसते रहिए, आपकी हिचकी आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स बताई। एक और बता रहा हूँ, अगर उल्टी हो रही हो, लौंग का पानी उबाल कर पीने से उल्टी बंद हो जाती है, नंबर एक। उसमें तो टाइम लगेगा, जब तक आप पानी उबालोगे उल्टी आ रही है ज़्यादा, टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे, अगर तो आप चाहते हैं कि उल्टी आए तो आप अंगूठे की मसाज नीचे से ऊपर करेंगे ऐसे अच्छी तरह जोर से, तो आपको कई बार ऐसे लगता है कि अंदर एसिडिटी बनी है, आप चाहते हैं उल्टी आए तो आपकी उल्टी आ जाएगी। आप चाहते हैं उल्टी ना आए तो आपने ऊपर से नीचे इसकी मसाज करनी है, ऊपर से नीचे अंगूठे से आप करेंगे ज़्यादा बेटर है ऐसे। ऊपर से नीचे करेंगे तो हमारे को उल्टी नहीं आएगी, नीचे से ऊपर करेंगे तो उल्टी आ जाएगी। ये कुछ एक टिप्स थी, उम्मीद आपको पसंद आएंगी। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे YouTube चैनल को, और अपने और दोस्त यारों को भी भेजिएगा ताकि मैं आपको और वीडियो भेजता रहूँ। तब तक लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।